प्रिय दर्शकों, आज हम आपको दीपावली से जुड़ी कुछ जानकारी देना चाहते हैं, जो आपकी इस दीपावली को कुछ खास बना सकता है। 4 नवंबर को हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे विश्व में दीपावली मनाई जाएगी। दीपावली हिंदू धर्म का एक सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन हिंदू धर्म के लोग अपने घरों को दिए जलाकर रोशन करते हैं। दीपावली के दिन शाम को माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। दीपावली के दिन दीप जलाने का बहुत खास महत्व है। आज हम यहाँ आपको दीप से जुड़े कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें करने से आपके घर परिवार में सुख समृद्धि का विस्तार होगा और जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। पीपल के पेड़ के नीचे दीपावली की रात एक दीपक लगाकर घर लौट आए। दीपक लगाने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने पर आपकी धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो सकती है। यदि संभव हो तो दीपावली की रात के समय किसी शमशान में दीपक जलाएं। यदि यह संभव न हो तो किसी सुनसान इलाके में स्थित मंदिर में दीपक लगा सकते हैं। धन प्राप्ति की कामना करने वाले व्यक्ति को दीपावली की रात मुख्य दरवाजे की चौखट के दोनों ओर दीपक अवश्य लगाना चाहिए। हमारे घर के आसपास वाले चौराहे पर रात के समय दीपक लगाना चाहिए। ऐसा करने पर पैसों से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो सकती है। घर के पूजन स्थल में दीपक लगाएं, जो पूरी रात बुझना नहीं चाहिए। ऐसा करने पर महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। किसी बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे दीपावली की शाम दीपक लगाएं। बिल्व पत्र भगवान शिव का प्रिय वृक्ष है, अतः यहाँ दीपक लगाने पर उनकी कृपा प्राप्त होती है। घर के आसपास जो भी मंदिर हो वहाँ रात के समय दीपक अवश्य लगाएं। इससे सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। घर के आंगन में दीपक अवश्य लगाएं। ध्यान रखें, यह दीपक भी रात भर बुझना नहीं चाहिए। घर के आसपास कोई नदी या तालाब हो तो वहाँ पर रात के समय दीपक अवश्य लगाएं। इससे दोषों से मुक्ति मिलती है। तुलसी और सालिग्राम के पास रात के समय दीपक लगाएं। ऐसा करने पर महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। पितरों का दीपक गया तीर्थ के नाम से घर के दक्षिण दिशा में लगाएं। इससे पितृदोष में मुक्ति मिलती है।